तो सीएमएडओ कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आपको एक अपने सिंपल कागज पर एक एप्लीकेशन लिखना है। जैसे इस कागज पर आपने आपने अपना एप्लीकेशन लिख लिया, ठीक है, एप्लीकेशन लिखेंगे कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार। उसके बाद में आप श्रीमान जी मुझे ये समस्या है, मेरा इस विभाग के द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा। इस प्रकार आपने कागज पर एप्लीकेशन लिखना है, और जब कागज पर एप्लीकेशन लिख लें तो उसके बाद में आपको अपना मोबाइल ऑन करना है या फिर आप अपने लैपटॉप को ऑन करेंगे, और उसके बाद में इसकी पीडीएफ आप स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इसकी फोटो एक रख लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, वो ग्राम दर्शन पोर्टल आपने सुना होगा, GRAMDARSHANPORTL, ग्राम दर्शन पोर्टल, गूगल में आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में उसमें मिलेगा आपको शिकायत या सुझाव, तो आपको शिकायत पर क्लिक करना है। जिस भी डिपार्टमेंट की शिकायत है उस विभाग को सिलेक्ट करेंगे, और आप अपनी फैमिली आईडी से ओटीपी लेते हुए आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। उसके बाद में आपके पास जो भी पीडीएफ है, जो भी आपने एप्लीकेशन लगानी है, वो उसमें स्कैन कर देंगे, और स्कैन करने के बाद में आप अपनी जो भी शिकायत है उसको दर्ज करते हुए फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो लास्ट में जो प्रिंट आउट निकल कर आता है उस पे आपके जो एप्लीकेशन नंबर होते हैं वो सीएम विंडो ओब्लिक जो भी आपका ईयर होता है वो ओब्लिक एप्लीकेशन नंबर होता है। तो ये क्या होता है पता आपको, वो सीएम विंडो एप्लीकेशन नंबर होता है। ये एप्लीकेशन आप अपने सीएम विंडो खिड़की से भी लगा सकते हैं या ग्राम दर्शन पोर्टल से आप अपने घर पर लगा सकते हैं। ग्राम दर्शन पोर्टल पर लगाई गई एप्लीकेशन और सीएम विंडो पर लगाई गई एप्लीकेशन दोनों सेम होती है, उन पर सेम कार्रवाई होती है। ये समझो कि आपने ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई एप्लीकेशन लगाई है तो वो आपने सीएम विंडो लगा दी। दोस्तों सीएम विंडो का ये आपको एक सुविधा के लिए आपको दिया गया पोर्टल है कि आप कोई कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कंप्यूटर या मोबाइल चलाना नहीं आता, वो सीएम विंडो खिड़की पे जाके एप्लीकेशन देते हैं दे सकते हैं, और जिनको कंप्यूटर आता है तो वो अपने घर पर भी अपने मोबाइल से भी सीएम विंडो लगा सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए है, आप चक्कर मत काटिए, कहीं पर घूमने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूं, www.gramdarshanportal.gov.haryana पर आप अपनी शिकायत करते हैं, वो सीएम विंडो शिकायत होती है, सेम प्रोसेस होता है, वो सीएम विंडो ही होती है, वो आपकी सुविधा के लिए है। तो इस प्रकार दोस्तों आप ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी सीएम विंडो की शिकायत लगा सकते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब सीएम को डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं और आप अपना काम करवा सकते हैं। दोस्तों इस पर मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप सीएम विंडो लगा सकते हैं, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था। मैंने क्या किया कि ग्राम दर्शन पोर्टल पर पहले शिकायत की, फिर वही एप्लीकेशन लेके मैं सीएम विंडो पे गया, मैं ज्यादा शरणपत कर गया कि मैंने देखा कि जो ग्राम दर्शन पोर्टल पर तो अलग शिकायत होगी और सीएम विंडो पर अलग होगी तो जल्दी कार्रवाई होगी। पहले तो मैंने ग्राम दर्शन पोर्टल पर शिकायत कर दी और फिर मैं वही एप्लीकेशन लेकर सीएम विंडो पोर्टल पर गया। जो सीएम विंडो की जो खिड़की होती है उन्होंने जो एप्लीकेशन नंबर मुझे दिए बाद में, वो मैंने मैच किए, जो ग्राम दर्शन पोर्टल का मुझे एप्लीकेशन नंबर मिला था सेम वही नंबर वैसा का वैसा सिस्टम मुझे दिया। मैंने आके सीएम विंडो ट्रैक, जो सीएम विंडो ट्रैक एप्लीकेशन होता है वहां पर सर्च किया तो दोनों का सेम प्रोसेस सेम कार्रवाई दिखाई दी। तो दोस्तों आप आज से आपको सीएम विंडो पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान आप अपने घर पर ग्राम दर्शन पोर्टल से करवाइए। ग्राम दर्शन पोर्टल पर आप कोई भी शिकायत करेंगे वो डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएगी और आपकी शिकायत पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हुए आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मैं इस जो ये आपको बताया है सीएम विंडो कि आप किस प्रकार से ग्राम दर्शन पोर्टल पर लगा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा जो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगी। इस प्रकार आप ग्राम दर्शन पोर्टल पर आप सीएम विंडो लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की जानकारी देता रहता